नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव और ट्रिकी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का चौथा पार्ट पढ़ाने वाला हूं। और चौथे पार्ट में जो प्रश्न लिए गए हैं बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ से पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है कम समय में बहुत अच्छे तरीके से, साधारण ट्रिक से, इसको मैं आज आप लोगों को भली भांत प्रकार से पूरी तरीके से खत्म करूंगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से, मैं इस एलसीएम और एचसीएफ का चौथा पार्ट, और हाँ, पहला और दूसरा और तीसरा पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के एलसीएम और एचसीएफ का पूरी तरीके से पहला दूसरा तीसरा पार्ट आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया है और उसका महत्तम समापवर्तक दिया है और उन संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है आपसे। मतलब कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी कि महत्तम समापवर्तक को आप जानते हैं कि म से बोला जाता है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ये 15 कहा जा रहा है और संख्याओं का अनुपात आपको दिया है, संख्याओं का अनुपात जो दिया गया है 3:4 के अनुपात में है। और उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है तो आपको संख्याओं का योगफल निकालना है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया हूं, तो आपको करना क्या है, दो या दो से अधिक अगर संख्या का अनुपात दिया है, दो या दो से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया है और उसका महत्तम समापवर्तक जब दिया रहता है तो उसके महत्तम समापवर्तक को लेकर के उसके संख्याओं के अनुपात में जब गुणा कर दिया जाता है तो संख्या निकल जाती है। तो अगर इसका महत्तम समापवर्तक 15 है तो इस 15 को लेकर के हम इसमें 3 में पहले गुणा करेंगे तो ये 3 15 45 हो जाएगा जब 3 में गुणा करेंगे, और जब 4 में गुणा करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। देखिए, पहली संख्या आपको निकल गया 45 और दूसरी संख्या आपका निकल गया 60। पूछ रहा है संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो जब जोड़ देंगे तो योगफल मीन्स होता है जोड़, तो इन संख्याओं का जो योगफल हो जाएगा वह हो जाएगा 105। इन संख्याओं का योगफल हो जाएगा 105। योगफल कहता है तो जोड़ दिया जाता है, अंतर कहता है तो गुणा कर दिया जाता है, अंतर कहता है तो घटा दिया जाता है, और गुणा कहता है यानी कि गुणनफल कहता है तो गुणा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे योगफल कह रहा है तो इसको जोड़ दिया गया, इन संख्याओं का अनुपात कितना, इन संख्याओं का योगफल कितना आ गया, 105 आ गया। तो इस प्रकार से इस तरह का सवाल का आंसर हो जाएगा, इस तरह से आप अच्छे तरीके से इसको लगा सकते हैं। चलिए, ये पहला प्रश्न रहा आपका, बड़ा छोटा प्रश्न रहा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा, एकदम ट्रिक से बहुत कम समय में आप इसको लगा सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपका ये रहा स्क्रीन पर, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 भाग करने पर शेष 6 और 5 रही। मतलब कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इस प्रश्न को दूसरे हिसाब से कह सकता है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग करने पर शेषफल 6 और 5 बचे। मतलब कि आपको जब हम 1657 में उस संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा, शेषफल आपका 6 बचेगा। जब उसी संख्या से हम 2037 में भाग करेंगे तो इसका शेषफल कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। मतलब कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा हम 1657 में भाग करें तो शेषफल आपका 6 बचे, और जब 2037 में भाग करें तो शेषफल आपका 5 बचे। ऐसे प्रश्नों को कैसे आपको हल करना है सबसे पहले आप जानिए। जब इस कंडीशन का सवाल मिलता है तो आप पहले क्या करेंगे, आप 6 को इसमें से घटा दीजिए, 1657 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1651 हो जाएगा।
अब जब इसको इसमें से घटाएंगे तो 2037 है, तो 2000 आपका हो जाएगा ये 52, 2000 आपका 32 हो जाएगा, 2032 हो जाएगा, घटाने पर ये आ जाएगा। अब घटाने के बाद जो संख्या आया है, बड़ी सी बड़ी संख्या के लिए आप जानते हैं कि दी गई संख्याओं का महत्तम समापूर्तक निकाला जाता है। तो महत्तम समापूर्तक हम निकाल दिए 1651 और 2032 का। महत्तम समापूर्तक कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग कर दीजिए। अगर 1651 से हम 2032 में भाग लगाए, भागफल एक जाएगा, 1651 हो जाएगा, घटाएंगे यहां से एक आ जाएगा, यहां आपका आ जाएगा 8 5 13 हो जाएगा, यहां आपका 10 हो जाएगा, यहां आपका क्या हो जाएगा, यहां 9 9 से 3 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे कट जाएगा, ये आपका आ गया 381। 381 से आप 1651 में भाग करेंगे तो भागफल आपका 4 जाएगा, 4 1 4 8 4 32 और 4 3 12, 12 3 आपका हो जाएगा 15। इसको घटाएंगे तो 7 4 11, यहाँ हो जाएगा 4 2 और यहाँ 1। 127 से आप भाग करेंगे 338 में, 338 381 में, 381 में भाग करेंगे तो भागफल आपका जाएगा यहाँ से 3 जाएगा, 3 7 21, 3 2 9 आपका 6 2 8, 3 1 3 पूरी तरीके से एक कट गया। तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, महत्तम समापवर्तक 2 127, मतलब कि 127, 127 इसका महत्तम समापवर्तक आ गया, किसका किसका, 1651 और 2032 का। मतलब 127 वह बड़ी सी बड़ी संख्या है, 127 वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसके द्वारा हम जब 1657 में भाग करते हैं तो शेषफल 6 बचेगा, और जब हम 127 से 2037 में भाग करेंगे तो वो शेषफल आपका 5 बचेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को इस तरह से आपको हल करना होता है। अगर कोई भी प्रश्न इस तरह से आपको मिलता है तो आप इस तरह से हल करेंगे, इसका आंसर जो है एकदम से सटीक आपको मिलेगा, सही मिलेगा, पूरी तरीके से आपका सवाल सही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, आपसे विश्वास करता हूँ कि ये सवाल आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको पूरी तरीके से हमारा पढ़ाया गया चीज समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं का योगफल 384 है, उसका महत्तम समापवर्तक 48 है, संख्याओं में अंतर है, मतलब कि संख्याओं में अंतर आपको ज्ञात करना है। दो संख्याओं का योगफल दिया गया है 384, उसका महत्तम समापवर्तक 48 दिया गया है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपसे दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 48 है, और संख्याओं का योगफल आपसे कहा जा रहा है कि 384 है। 384 मान लेते हैं इसका जो अपेक्षित संख्या है, पहली अपेक्षित संख्या अगर हम यक्ष करते हैं तो इस पहली अपेक्षित संख्या यक्ष करते हैं तो इसके महत्तम समापवर्तक से इसमें गुणा होगा तभी यह संख्या पूरी तरीके से पूर्ण होगी, कि पहली संख्या आपका ये हो जाएगी 48 है। अगर पहली संख्या आपको निकालना है तो इसके महत्तम समापवर्तक से इसमें गुणा करना पड़ता है तो ये 48 यक्ष आपका हो जाएगा। और दूसरी संख्या अगर हम करते हैं कि आपका वाई है, इसके महत्तम समापवर्तक से दूसरी संख्या में भी गुणा होगा, ये आपका 48 वाई हो जाएगा। यानी कि दोनों संख्याओं का योगफल कह रहा है कि ये 384 के बराबर है, 384 के बराबर है। तो आपको निकालना है यहाँ से संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, संख्याओं का अंतर निकालना है तो 48 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 48 इधर बाहर आ जाएगा, भाग कर देगा 384 में। अब 48 का जब हम भाग करेंगे तो भागफल आपका 8 मिलेगा। अब सुनिए भाई, अभी आपका 8 मिल गया है, अब इसी 8 को ऐसे दो भागों में हमको तोड़ना है, बांटना है अपने दिमाग से समझ करके कि इसको जोड़ने के बाद ये 8 हो जाए, और वह दो संख्या ऐसी होनी चाहिए समान ना हो, वो दोनों संख्या समान ना हो, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 1 और 7 के रूप में। देखिए 1 और 7 मिलकर के 8 हो जाएगा, और इसको एक और रूप में तोड़ सकते हैं 3 और 5 के रूप में। चलिए इसको हमने दो चीज में तोड़ा है, तोड़ दिया है। अब पहली संख्या आपको माना है 48 x माना है, अब यहाँ x की जगह दूसरी संख्या हमने क्या माना है 48 y। अब पहली संख्या की जगह देख रहे हैं 1 है,
तो यक्स की जगह एक रखेंगे तो ये आपका 48 ही आएगा, और वाई की जगह सात रखेंगे तो यहाँ सात रख करके 8 × 56 के आपका 6 हो जाएगा, हासिल आपका 5, और आपका 7 × 28, 28 × 5 आपका हो जाएगा 33। पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई। तो संख्याओं का अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर में से घटाना होता है, तो घटाएंगे तो 16 × 8 जाएगा 8, यहाँ आपका 8, यहाँ आपका 2, यानी कि पहली संख्या संख्याओं का अंतर हो जाएगा 288। ये तो पहले कंडीशन पे होगा, और दूसरे कंडीशन पे यह भी रख करके आप निकाल सकते हैं। अगर यह भी रखते हैं तो यहां से हम अगर 48 यक्स और 48 आपका वाई करें, अब यक्स की जगह हम रखेंगे 3 रखेंगे तो गुणा करेगा 8 × 3 = 24 की 4 हो जाएगा, और 3 का गुणा इसमें 4 × 3 = 12, 12 × 2 आपका 14, 144। वाई की जगह 5 रखेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 5 × 20 = 24। इसको घटा दीजिए तो 10 में से आपका 6 हो जाएगा, 13 में से 9 हो जाएगा, यानी कि 96 हो जाएगा। देखिए एक ऑप्शन 288 भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन आपका 96 भी हो सकता है, जैसा ऑप्शन आपका रहेगा चारों में से वैसा आप कर सकते हैं। अगर आपका 288 रहेगा तो इसको सही करेंगे, 96 रहेगा तो इसको सही करेंगे, दोनों रहेगा तो दोनों को सही करेंगे। ऐसे प्रश्नों को इस तरह से हल किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से समझिए। पूरी तरीके से आपको मैं समझा दूंगा कि ऐसे प्रश्न जो कि आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं और कितनी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आपको जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं पूरी तरीके से क्लियर आपको वीडियो नहीं दिख रहा है, तो आप वीडियो जो चल रहा है, वीडियो आप चला रहे हैं इस प्रकार से, वीडियो इस तरह से चल रहा है, वीडियो के ऊपर आप क्लिक करिए। वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे 3 यहाँ पर डॉट मिलेगा, तीनों के ऊपर जाकर जहां डॉट दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक करिए, वहां पर क्लिक करेंगे तो 144 पी मिलेगा, और आपका 240 पी मिलेगा, 360 पी मिलेगा। अब 360 पी वाले पर आप जाकर क्लिक कर दीजिए। पूरी तरीके से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी तरीके से अक्षर आपको क्लीन दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा, तो इसको आप कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न दिया है, 3 लड़के एक ही स्थान से चलें, यदि उनका कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर एक साथ कदम रखेंगे। मतलब कि 3 लड़के हैं, 3 लड़के किसी स्थान से चलते हैं। मान लीजिए कि 3 लड़के इस स्थान से चलते हैं, एक लड़का ए है और ये बी है और ये सी है। ये तीनों लड़के जो है जब अपना कदम रखते हैं तो पहले लड़के का एक कदम कितने का है, 36 सेंटीमीटर का है। ये 36 सेंटीमीटर पर अपना पहला कदम रखता है। बी वाला जो है ये पहला कदम आपका 48 सेंटीमीटर की दूरी पर रखता है। सी वाला जो है आपका पहला कदम ये आपका 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखता है। ये है चीज है आपका दिया गया है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि एक स्थान से चलते हैं तो प्रस्थान बिंदु से कितने दूरी पर वह फिर एक साथ कदम रखेंगे। मतलब प्रस्थान बिंदु से यहां से कितनी दूरी पर तीनों जब चल लेंगे तो पुनः एक साथ अपना कदम रखेंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले जो दी गई संख्या है आपका 36, 48, 54, इन सभी संख्याओं का आप निकाल लीजिए लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो यहां से काटेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ये 24 × 48 होता है, 27 × 54 होता है। पुनः आप इसको 2 से डिवाइड अगर करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 27 नहीं कटेगा, नोट कर लेंगे। पुनः इसको हम 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, नोट करेंगे, 6 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। पुनः इसको हम 2 से जब डिवाइड करेंगे, इसको नोट करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा आपका। पुनः अब 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से कोई कटने लायक नहीं है, 3 × 9, 3 × 1 = 3 और 3 × 9 आपका 27। पुनः इसको 3 से काटेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
पुनः इसको काटेंगे एक एक एक, ये हो गया आपका। इसको गुणा कर दीजिए, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुनी 16, 16 तिया 48, 16 तिया आपका 48 हो गया। अभी 3 त्रिका 9, 3 त्रिका आपका 9 हो गया, 9 8 72 के 2 हासिल आपका 7, 9 चौक 36, 4 40 4 43, मतलब कि 432 सेंटीमीटर, 432 सेंटीमीटर की दूरी पर जब तीनों व्यक्ति ए और बी और सी 432 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेंगे तो तीनों एक साथ पुनः अपना कदम रखेंगे। ये आपका सेंटीमीटर में है, अगर इसमें हम 100 से भाग दे देते हैं तो ये मीटर में हो जाएगा, यानी कि 4.32 मीटर की दूरी चलने के बाद तीनों पुनः एक साथ अपना कदम रखेंगे। ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से हल करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप हल कर लेंगे, इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप समझ गए होंगे कि कैसे हल किए जाते हैं। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं और किन किन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसलिए एलसीएम और एचसीएफ का जितना प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको, सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान पूर्वक से इसको जानिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, अगला सवाल स्क्रीन पर आपका ये रहा, वह लघुत्तम समापवर्तक, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। वह लघुत्तम समापवर्तक, वह लघुत्तम संख्या, वह लघुत्तम संख्या, वह छोटी संख्या, कुछ भी कह सकता है, लघुत्तम मतलब छोटा होता है, मतलब कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14 और 32 और 41 शेष बचे। मतलब कि संख्या क्या है आपका, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से जब भाग किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो इसमें शेषफल कितना बचता है, इसमें शेषफल आपका बचता है 8। जब उस संख्या में हम 18 से भाग करते हैं तो शेषफल बचता है 14। जब उस संख्या में हम 36 से भाग करते हैं तो शेषफल आपका बचता है 32। जब उस संख्या में हम 45 से भाग करते हैं तो वह संख्या में उस शेषफल बचता है आपका 41। मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें हम जब 12 से भाग करें तो शेषफल 8 बचे, 18 से भाग करें तो शेषफल 14 बचे, 36 से भाग करें तो 32 बचे और 45 से भाग करें तो 41 शेषफल बचना चाहिए। वह छोटी सी छोटी संख्या, वह लघुत्तम, वह है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब कि छोटी सी छोटी संख्या वही न होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इन दोनों में अंतर कितने का है, 12 और 8 में अंतर 4 का है, 18 और 14 में अंतर 4 का है, 36 और 32 में अंतर 4 का है, 45 और 41 में अंतर 4 का है। मतलब कि यह है 4-4 का अंतर देख रहे हैं, समान है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, सबसे पहले हम 12, 18, 36 और 45 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लीजिए। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो यह आपका 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 45 नहीं कटेगा, नोट कर लेंगे। पुनः इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। पुनः इसको हम कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 का 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 15 तिया 45 होता है। पुनः 3 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 दुना 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा। अब 36 पंचे 5 6 30 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा और 5 तिया 15 3 18। अब ये चीज आपको मिल गया है, ये चीज मिल गया है 180। अब देख रहे हैं कितना कितने का अंतर, इसमें 4-4 का अंतर है, मतलब 4-4 का अंतर है तो इसमें आप 4 घटा दीजिए। जब 4 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 176। 176 वह छोटी सी छोटी संख्या है,
176 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें हम जब 12 से भाग करते हैं तो शेषफल 8 बचता है, 18 से जब भाग करते हैं तो शेषफल 14 बचता है, 36 से भाग करते हैं तो शेषफल 32 बचता है, और जब 45 से भाग करते हैं तो शेषफल 41 बचता है। चलिए एक देख लेते हैं कि ऐसा कुछ आता है कि नहीं। 176 में जब हम कितने का भाग करेंगे, 12 का भाग करेंगे, तो 12 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, ये 12 चौक आपका 48 होता है, घटाएंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा। शेषफल आया कि नहीं 8, ये कह भी रहा है कि शेषफल आपका 8 बचना चाहिए। अगर हम 45 से भाग करें, 45 से भाग करें 176 में, तो शेषफल कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, भागफल करेंगे यहां से तो 45 दुना आपका 90 हो जाता है, 90 आपका बत्तिया आपका हो जाएगा, यहां से भाग करेंगे तो आप 3 4 ले जाइए, 45 दुना 90 आपका 3 जाएगा, 3 ले जाइए यहां से तो 5 तिहाई आपका 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 1 13 हो जाएगा, यहां से घटाएंगे तो यहां 1 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, देखिए शेषफल आपका 41 आ गया। तो पूरी तरीके से यह चीज वही आ रहा है जो प्रश्न में कह रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से करेंगी तो कभी गलत नहीं होगा, पूरी तरीके से सही आंसर आएगा। इस तरह के प्रश्न को आप समझ गए होंगे कि कैसे हल करना है। अब हम आगे आपको प्रश्न बताते हैं, और कुछ प्रश्न जो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोर्ड पर आपका ये रहा, वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 2 रहता है, वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हम 6 से डिवाइड करें या 9 से डिवाइड करें या 12 से डिवाइड करें या 15 से डिवाइड करें या 18 से डिवाइड करें, यानी कि विभाजित करें, तो प्रत्येक मामले में शेषफल आपका 2 रहे। तो ऐसे प्रश्नों को आपको करना क्या है, आप 6 का, 9 का और किसका, 12 का, 15 का, 18 का, इन सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकाल दीजिए। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से कटती है। तो आप लघुत्तम समापवर्तक जब इसका निकालेंगे, यहां से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये नोट करेंगे, ये 6 हो जाएगा या 15 हो जाएगा या 9 दुनिया 18 हो जाएगा, पुनः इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, पुनः इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 त्रिया 9 हो जाएगा, पुनः इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, नोट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो पूरी तरीके से ये 1 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दुना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंचे आपका कितना होता है, अभी हमने किया था 5, 36, 5 तिहाई 15, 3 18, मतलब कि यह है 180 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो आपका 6 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, 12 से विभाजित होगा, 15 से विभाजित होगा, 18 से विभाजित होगा, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि शेषफल 2 बचे। अगर 180 में हम 2 जोड़ दें तो आपका आ जाएगा 182, 182 आ जाएगा, तो मतलब 182 वह छोटी सी छोटी संख्या है, 182 वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें हम 6 से भाग करेंगे तब भी आपका 2 शेषफल बचेगा, 9 से भाग करेंगे तब भी 2 शेषफल बचेगा, 12 से करेंगे तब भी बचेगा, 15 से करेंगे तब भी बचेगा, 18 से करेंगे तब भी बचेगा। अगर हम इसमें 18 से भाग करते हैं तो कितना बचेगा, 18 हो जाएगा, घटाएंगे कट जाएगा, 2 यहाँ आएगा, 0 जाएगा, 2 शेषफल बचा कि नहीं बचा। अगर इसी 182 में हम कितने का भाग करें भाई, 12 का कर दीजिए, 12 का कर देंगे तो 12 इकाई 12 हो जाएगा, 12 इकाई 12, 6 यहाँ से घटाएंगे, 12 पचे आपका 60 हो जाएगा, 60 घटाएंगे, शेषफल 2 बचा। तो ये कंडीशन है, आपको प्रत्येक दशा में 2 किसी से भाग करेंगे तो 2 शेषफल इसमें बचेगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे आपको हल करना है, इस तरह से आप समझ गए होंगे, इस प्रकार के प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से आप जान गए होंगे कि कैसे हल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का योग तथा अंतर क्रमशः 341 और 319 है,
और एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योगफल और अंतर दिया गया है, उसमें से एक संख्या आपका 55 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या यानी कि एक संख्या का मतलब कि पहली संख्या इसमें दिया गया है, पहली पहली संख्या, पहली संख्या बराबर आपको दे रखा है कि 55 है, और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल और अंतर दिया है। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक एल मान लेते हैं, महत्तम समापवर्तक को आपको एम मान लेते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक का योगफल और अंतर, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का योगफल और अंतर दिया गया है। यह अंतर रहेगा, अंतर मतलब घटाना होता है। योगफल और अंतर कितना दिया गया है, क्रमशः योगफल इसका 341 है और अंतर 319 है। 341 इसका योगफल है और 319 इसका अंतर है। यह इक्वेशन आपका 1-2 बन गया है। अब इसमें से हम इसमें महत्तम समापवर्तक से महत्तम समापवर्तक कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में है। लघुत्तम यानी कि एल मतलब लघुत्तम समापवर्तक, यह मतलब महत्तम समापवर्तक, ये जुड़ जाएगा तो आपका 2L हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 9-4 आपका 13 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। यानी कि ये चीज आपका आ गया, यानी कि जोड़ दीजिए इसको, ये आपका 9-4 13 और 3 हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा। देखिए हम एक बार पुनः देख लेते हैं, 341 है इसमें, 341 सॉरी यहाँ पर 14 लिखा गया था, यहाँ पे 341 है और ये 319 है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 और ये 5-1 आपका 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी कि 660 ये हो जाएगा, यल बराबर हो जाएगा 660 बटे में 2, काटेंगे तो ये आपका 330, यानी कि उसका यल मतलब लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 330, लघुत्तम समापवर्तक 330। और समीकरण यानी कि लघुत्तम यल प्लस यम बराबर आपका 341। अब इसमें 330 इधर रखेंगे, इसको पश्चांतर करेंगे तो यम बराबर हो जाएगा 341 माइनस 330, इसको घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 11। मतलब कि उन संख्याओं का, उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यम मतलब महत्तम समापवर्तक 11 है, लघुत्तम समापवर्तक 330 है, जिसमें से पहली संख्या आपको दिया गया है 55 है तो दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर हमने पहले पार्ट में पढ़ाया है कि किसी भी लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक को अगर दूसरी संख्या निकालना है तो अगर उसके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल में पहली संख्या से भाग दे दिया जाता है तो उसकी दूसरी संख्या निकल जाती है। तो ये लघुत्तम समापवर्तक कितना है इसमें देख रहे हैं, 330 है, इसको लिखिए 330, और महत्तम समापवर्तक देख रहे हैं कि 11 है, इसको लिखिए, और पहली संख्या से भाग दे दीजिए कि ये 55 है, इससे भाग दे दीजिए तो ये 55 है तो 11-5 आपका 55 हो जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो 5-6 आपका 30 हो जाएगा, 3 बचेगा 5-6 30 हो जाएगा। मतलब कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 6-6 हो जाएगा, दूसरी संख्या 6-6 आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हमने आपको बताया है, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, प्रत्येक परीक्षाओं में कितनी बार पूछे गए हैं ये भली भांति प्रकार से आपने स्क्रीन पर देख लिया है। आपसे उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि पढ़ाए गए प्रश्न आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर अगर पूरी तरीके से नहीं अभी तक जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, उसके बाद एक बेल आइकन यानी कि घंटी की बटन आएगा उसको भी दबाइएगा। अगर पूरी तरीके से हमारे पढ़ाए गए सभी चीजों को आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इतना काम जरूर से जरूर आप कीजिएगा। मिलेंगे